नमस्कार, आद्य मोम ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम आपको मूंग का लड्डू बनाना सीख बताएंगे। देखते रहिए वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक। देखिए मैंने क्या क्या सामग्री लिए। चीनी है, मूंग दाल है, काजू है, बादाम है। पहले हमें अब दाल को अच्छे से साफ कर लेना है और फिर इसको मिक्सर में डाल के मिक्सर जार में अच्छे से पीस लेना है। देखिए दाल हमारी पीस करके तैयार हो गई है, आप देख सकते हैं। इसको ज़्यादा मोटा भी नहीं पीसना है, ज़्यादा महीन भी नहीं पीसना है, हल्का दरदरा होना चाहिए। और उसको फिर मैंने छान करके रख लिया है प्लेट में। बादाम को भी पीस लिया है मिक्सर जार में। काजू को छोटे छोटे टुकड़े में काट ले रही, देख रहे हैं आप। गैस पर पैन को चढ़ा दिया है, घी डाल दिया है, देसी घी डालेंगे, मध्यम आंच कर देंगे। उसके बाद जो पिसा हुआ बेसन है दाल का, उसको घी में डाल के अच्छे से चलाते हुए भूनेंगे। उसको लगातार चलाते रहेंगे। अच्छे से चलाते हुए दबा दबा के चलाएंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना बन जाएं। फिर वो गोल गोल गुठलियाँ बन जाती हैं तो फिर अच्छे से बेसन भुनता नहीं है। आप देख सकते हैं बेसन हमारा कैसे रंग बदल दिया है अपना। दूर से ही देखने में लग रहा है कि दरदरा सा दिख रहा है, दाना दाना इसमें। तो बहुत ही टेस्टी लड्डू बनेगा इसका, देखते रहिए आप लोग। देखिए बेसन हमारा अच्छे से भुन गया है और इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा डाल देंगे ताकि इसमें और दाने दाने हो जाए। जब लड्डू में दाना दाना जैसा रहता है तभी लड्डू खाने में बहुत अच्छा लगता है। इस ध्यान दें कि बीच में तली में पकड़े ना। देखिए हमारा बेसन एकदम से भुन के तैयार हो गया। आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है। अब उसको मैंने प्लेट में निकाल लिया है। उसके बाद उसमें पीसे हुए बादाम डाल दी, काजू डाल दिया है और बूरा भी डाल दिया है। आपके पास बूरा नहीं है तो आप उस चीनी का भी बना सकते हैं, या मार्केट में अवेलेबल होता है, आराम से आपको मिल जाएगा किराने की दुकान पे। और इसको मैंने देखिए आराम से हल्का गर्म हो तभी डाले, ज़्यादा गर्म रहेगा तो फिर बूरा उसमें पिघल जाएगा। देखिए इसको हमने बना लिया है, अच्छे से मिला लिया है। और अब इसका लड्डू बनाएंगे हल्के हाथ से दबाते हुए, इसको गोल गोल बना लेंगे। बहुत ही टेस्टी लड्डू बनता है, आप भी कभी अभी बना के देखिए कभी भी। एक एक करके ऐसे ही बना लेंगे लड्डू। देखिए हमारा दूसरा लड्डू भी बनकर तैयार हो गया है, तीसरे को भी मैं बना रही। देखिए लगभग मेरे सारे लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। बहुत ही टेस्टी लड्डू बनता है, आप लोग भी बनाइए और अपना अनुभव शेयर कीजिए कमेंट करके। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट भी करके बताइए कैसा बना था लड्डू। नमस्कार।